डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से अलोंग विद मैडम कोमल इन दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल। तारीख है आज 6 मार्च 2023। एक पेशेंट है जिनको इंटरनेशनल पेशेंट है, नाइजीरिया से आए हुए, उनको पहले हार्ट अटैक की हिस्ट्री है और हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन वाज ओनली 39%। एको वहाँ पे किया गया था, ईसीजी में कुछ बदलाव थे, एचएससीआरपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। यहाँ पे आए, हमने चेकअप किया, इको तो नॉर्मल हो गया था लेकिन ईसीजी में चेंजेस अभी परसिस्ट कर रहे थे। जिसको भी दिल का दौरा पुराना पड़ा हो, डायबिटिक है इनको, तो ऐसे कंडीशन में एंजियोग्राफी और ख़ास करके ईसीजी अगर ख़राब है तो एंजियोग्राफी करना नहायत ज़रूरी होता है। पेशेंट कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नाइजीरिया, वी हैव टू क्विकली फिनिश ऑफ द थिंग्स सो दैट ही गोज़ बैक होम। हमने इनकी एंजियोग्राफी करी और इसमें हमने देखा कि हार्ट की जो एलईडी आर्टरी है, हमारे वो सस्पेक्टिंग कि एलईडी में प्रॉब्लम होगी लेकिन एलईडी की जगह डायगनल में प्रॉब्लम थी। डायगनल एक ब्रांच होती है एलईडी की, उसके अंदर 80-90% ब्लॉकेज था इसमें। वो हमने इसको क्विकली स्टेंट लगाया, ये देखिए नैरो हो रखी है, ये बिल्कुल नैरो हो गई है और ये आर्टरी रीजनेबली साइज की बड़ी आर्टरी है। हमने इसको पेशेंट एक और एक जगह ब्लॉकेज है जिसको ओएम ब्रांच है, सर्कमफ्लेक्स की एक ब्रांच है, उसमें भी एक ब्लॉकेज है और उसको बहुत बड़ी आर्टरी नहीं है तो इसको हमने दबाव पे रखा है, वो ये है यहाँ पे। तो एंजियोप्लास्टी एक राइट वाली कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट वाली, इसके अंदर बहुत मोटी आर्टरी है, 30% प्लाकिंग है केवल और ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं है। फैमिली से बात की, फैमिली ने कहा कि मैं सोचा था इसको दवा पे रखें कि एंजियोप्लास्टी करें, फिर बार बार देखा तो उससे लगा कि ये आर्टरी बड़ी आर्टरी है। आप देख सकते हैं इसमें, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये आर्टरी यहाँ पे 70-80% ब्लॉकेज है और काफी बड़ी आर्टरी है ये देखिए। तो इस ब्रांच में हमने वायर डाला और रेडियल आर्टरी से किया, हमने ब्रांच में वायर डाला, वायर के बाद बैलून से फुलाया और उसके बाद स्टेंट ले गए, ये 2.25 mm × 12 mm लेंथ का बैलून है। स्टेंट लगाने के बाद इनकी आर्टरी में ब्लॉकेज खत्म हो गया। तो कई बार क्या होता है कि मेन नस की जो बड़ी ब्रांच होती है उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये देखिए ये कितनी बड़ी आर्टरी है और इसको हमको अंदाज तब लगा जब हमने स्टेंट करके खोल दिया। तो ये इट इज़ ए रीजनेबली बिग साइज वेसल और अभी देखिए, और हमने इसमें 80% ब्लॉकेज में यहाँ पे नस को खोल दिया। इस सप्लाइंग ए लार्ज एरिया और एक ही डायगनल है जो इनकी आर्टरी है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये स्टेंट दिख रहा है इसमें। स्टेंट को थोड़ा पास से दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए ये दो पास देखिए, एक अलग सा एक सिलेंडर टाइप का लग रहा है, पाइप जैसा, वो स्टेंट है, अब लग गया है। पेशेंट को रेडियल आर्टरी से किया है, दिखाना हाथ, दिखाओ सिस्टर, ये हाथ की नस से किया है, फुल्ली कॉन्शियस। ठीक है आप, हाउ आर यू? गुड, यू स्पीक इंग्लिश और फ्रेंच? इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ओके। एंड तो इस तरह से जब पेशेंट को कई बार डायग्नोसिस बनाने में आसान नहीं होता, ईसीजी में खराबी थी, अर्लियर आई वॉज थिंकिंग कि हम इनका स्ट्रेस इको करेंगे लेकिन जब देखा कि ईसीजी में ऑलरेडी ओल्ड एमआई है, नॉन 60 एलिवेशन, और तो वी शुड डू द बेस्ट। एंड इसके सिम्टम भी हैं इनको, पेशेंट को व्हेन ही वॉक्स ही हैज गॉट ब्रेथलेसनेस, ही हैज गॉट सम चेस्ट कंजेशन, कंजेशन इन द थ्रोट, एंड दैट इज एक्चुअली एंजाइना। तो ऐसे कंडीशन में जब एंजाइना पेशेंट को हो रहा है, इंटरनेशनल है, बाहर से आया हुआ है, वी हैव टू बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चमनलाल जी ने, गॉड ब्लेस लिखा है, आई एम थैंकफुल टू हिम, जो भी आशीर्वाद देता है मुझे बड़ी खुशी होती है। चमनलाल जी हमारे दोस्त हैं फेसबुक पे, तो इनसे मुलाकात करेंगे। तो मैं समराइज करना चाहता हूँ कि इस पेशेंट को जिसको पुराना हार्ट अटैक हुआ, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हुई, इको खराब हुआ, इनको शिफ्ट किया गया मेरे लिए नाइजीरिया से आए डॉक्टर विवेक गुप्ता। उसके बाद हमने इनकी एंजियोग्राफी की जांच करी और एंजियोग्राफी की जांच में हमको ब्लॉकेज दो जगह मिले, एक सर्कमफ्लेक्स की छोटी ब्रांच में और एक एलईडी की डायरेक्ट डायगनल ब्रांच जो कि अच्छी बड़ी साइज की ब्रांच है, उसके अंदर 80-90% ब्लॉकेज, 80% तो हमने उसके अंदर स्टेंट लगाया आफ्टर टॉकिंग टू द फैमिली।
स्टेंट इज ए प्रोसीजर विच इज ऑलमोस्ट ए फाइनल प्रोसीजर, और इसके बाद दवाइयाँ देनी पड़ती है, दो दिन अस्पताल रखते हैं। हमने रेडियल से किया इनको, रेडियल मतलब होता है कि हाथ की कलाई की नस से किया हमने, और इसको अब करके अब हम इनको ICU में शिफ्ट करेंगे और दो दिन में छुट्टी कर देंगे। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल ऑन 6th of March 2023। थैंक यू वेरी मच।